हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम ब्लॉग बनाएंगे एकदम मस्त चीज़ का, जिसको देख के एकदम सरप्राइज हो जाओगे। और आप अगर गेमिंग के शौकीन हो गए तो आपको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। तो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे देख के। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं सेफ हाउस। तो यहाँ पे पूरा गेमिंग जोन है, यहाँ पे आपको मज़ा आएगा। यहाँ देखो सेफ हाउस का बोर्ड लगा है और यहाँ पे सब खेल रहे हैं, एकदम मस्त गेम है और वैरायटी ऑफ गेम्स है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो पहले तो सिम रेसिंग है यहाँ पे, सिम रेसिंग जो कार वाला गेम होता है, तो खेल रहे हैं लोग। इसमें बहुत मज़ा आता है, मतलब खेलने में एकदम रियलिस्टिक फीलिंग होती है। और ये मल्टीप्लेयर्स है, ये मल्टीप्लेयर्स गेम है जिसमें आप दो लोग एक साथ खेल सकते हो। और एम्बियंस वाइब कितना अच्छा आ रहा हो, कितना अच्छा ये पूरा डिज़ाइन है यहाँ पे मैनेज किया गया गेमिंग के लिए। और जहाँ मैं अभी तक बनारस में गया हूँ वहाँ मतलब स्पेस बहुत कम होता है और वहाँ गाइडेंस भी नहीं मिलते थे, और यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है खेलने के लिए। तो देखते हैं, ये मल्टीप्लेयर्स गेम हो गए, कैजुअल्स गेम हो गए। मल्टीप्लेयर्स में आप ये WW खेल सकते हो, फीफा खेल सकते हो, टेकन खेल सकते हो। और सिम रेसिंग में आप फोर्जा खेल सकते हो, NFS खेल सकते हो। तो बहुत सही चीज़ है ये। आइए और देखते हैं ये सब। देखो इतने वैरायटी ऑफ गेम्स हैं यहाँ पे, देखिए ये खेल रहे हैं कैजुअल गेम GTA 5। और भी गेम खेल सकते हैं आप लोग, स्टोरी मोड वाला गेम्स जो शौकीन होंगे उनको भी मज़ा आएगा। तो ये लोग ज़्यादा शौकीन है, मतलब सब GTA 5 ज़्यादा खेलते हो। तो पूरा यहाँ से कैजुअल गेमिंग है। और ये आर्केड एरिया है अपना, आर्केड एरिया जहाँ पे आप पुराने गेम के शौकीन हो और दो फ्रेंड या कपल्स के लिए बेस्ट है, मतलब ईजी गेम है ये। तो ये गेम देख के मतलब पुराने दिन याद आ गए आर्केड वाला। और यहाँ पे मतलब FPS गेम है, मतलब हाई जो गेम होते हैं, हाई PC वाले गेम्स, वेलोरेंट खेल रहे हैं ये सब। तो बहुत मज़ा आता है इसमें। तो ये भी सेटअप बहुत अच्छा है, मतलब चार लोग एक साथ खेल सकते हो, चार पांच लोग। और पूरा अच्छा लग रहा है, देखते हैं यहाँ पे खेल के भी। इसके पहले आपको सिनेमैटिक शॉट दिखा दूंगा और भी बताता हूँ आपको। खाने का ऑर्डर भी आप दे सकते हो, भैया सब बोल दोगे तो। ये पूरा मीनू है यहाँ पे, मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आप डिस्प्ले पे। तो खाने का मॉकटेल ड्रिंक्स और खाना सब आ सकता है, तो यहाँ खाने का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सही है और उतना महंगा भी नहीं, ये रिजनेबल प्राइस है ये अपना सेफ हाउस। तो ये आप बहुत बढ़िया है। तो यहाँ मैं आपको प्राइस बता देता हूँ क्या क्या प्राइस रहेंगे यहाँ पे। जैसे कैजुअल गेमिंग पर आवर 100 रुपये रहेंगे, और जो FPS गेम्स हैं हाई वैल्यू वाले गेम्स तो वो 100 रुपये। और जो VR एक्सपीरियंस थे जो मैं आपको क्लिप में दिखाया था वो 150 रुपये 30 मिनट के, और घंटे के 250। और सिम रेसिंग के भी 250 पर आवर, और आर्केड के 50 रुपये। तो और अगर आप 1 से 4 बजे तक आओगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और एक फ्री एनर्जी ड्रिंक मिलेगी बूम का। तो सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छा चीज़ है, यहाँ पे आप एडिटिंग भी कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग जो शौकीन है, जिन हाई वैल्यू PC नहीं खरीद सकते जिनके वजह में, तो वो यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। तो बहुत सही है। यहाँ पे आपको मतलब ये आपको सुंदरपुर पे पड़ेगा, सिरसागर के सामने 3rd फ्लोर पे। तो मस्ट विजिट, आप लोग ज़रूर आना, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेलने में। तो एंजॉय करो, और चीप प्राइस में अच्छा गेमिंग मिल जा रहा है, एक्सपीरियंस मिल जा रहा है, तो और क्या चाहिए आप लोग को। तो आइए Oh,
गाइस आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मैं एक फीडबैक दे देता हूँ सेफ हाउस का, जिस जगह मतलब आपने वीडियो देखा है सेफ हाउस का, तो बहुत सही लगा मुझे, स्पेसियस था बहुत और सर्विस भी बहुत अच्छा था वहाँ पे, और जो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस था वो बेस्ट था, क्योंकि जो अपडेटेड और जो मार्केट में गेम है सारे अवेलेबल थे वहाँ पे, और वहाँ पे गाइडेंस भी मिल रहे थे, वहाँ पे लोग भी थे गाइडेंस भी जो दे रहे थे, तो वो चीज़ भी मुझे सही लगा। मतलब जो मान लीजिए कोई नया बंदा है उसको आइडिया नहीं है पर वो भी खेल सकता है, मतलब वहाँ पे भी सारे गेम अवेलेबल है, 0 लेवल से 10 लेवल तक, मतलब हाई लेवल तक जो एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। और मस्ट विजिट, ज़रूर जाना वहाँ पे, बहुत सही जगह है, तो मैं तो कहूँगा जाना। और यहाँ तक वीडियो देख ही लियो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो चलते हैं और भी ब्लॉग बनाएंगे, तो थैंक यू।